नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और जेजे हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भादुरगढ़ आपके लिए लेकर के आए हैं हृदय रोग विभाग यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत, जिसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन जिला झज्जर के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने रिबन काटकर किया। आपको बता दें कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल के द्वारा यह हृदय रोग विभाग की शुरुआत की गई है, जिसमें इको स्ट्रेस, इको होल्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी तमाम ऐसी आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी जो आज के जीवन में अवश्यंभावी हो गई हैं। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में पहुँचे CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह का अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ज्योति मलिक व डायरेक्टर दीपक खट्टर ने जोरदार स्वागत किया, और कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख डॉक्टरों ने CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह का दौरा कराया व मशीनों की जानकारी भी दी और बताया कि किस तरह से जीवन ज्योति अस्पताल में अब कार्डियोलॉजिस्ट की तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिनके लिए बहादुरगढ़ व झज्जर जिलावासियों को दिल्ली शहर की ओर कूच करना पड़ता था। आपको बता दें कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बहादुरगढ़ में, उन्होंने आज कार्तिक मास के प्रथम दिन यह सौगात जिलावासियों को दी है कि वो चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ ले सकें। और इमरजेंसी के समय में कार्डियोलॉजी को लेकर के जिस तरह के भ्रम लोगों के दिलों में रहते हैं और वो दिल्ली जैसे शहरों का दौरा करते हैं, अत्याधुनिक मशीनों से उपलब्ध जीवन ज्योति अस्पताल में अब कार्डियोलॉजी की यह सुविधा आरंभ कर दी गई है, जिसका आज शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह स्वयं वहां उपस्थित रहे और मुख्य समाज सेवी डॉक्टर सैली, जो समाज सेवी राकेश जून की धर्मपत्नी है, और ओम शांति से रेनू दीदी भी वहां पर उपस्थित रही। तमाम मीडिया के पत्रकार साथियों की उपस्थिति में आज जीवन ज्योति अस्पताल में इस भव्य चिकित्सीय सुविधा का उद्घाटन किया गया। लेकिन हम बेस्ट चीज लेके आए हैं। बहादुरगढ़ में ऑलरेडी 2-3 कैथ लैब्स हैं, पर जो हमारी क्वालिटी और हमारी 24 आवर्स सर्विसेज जो हम देने की आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, बहादुरगढ़ को दे रहे हैं, ये अपने आप में ये वी फील प्राउड कि हम ये दे पाएंगे बहादुरगढ़। तो हमारी पूरी, हमारे फिजिशियन हैं, फिजिशियन की पूरी टीम है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, तो ये हमारे, और इंटेंसिविस्ट हैं हमारे पास, 3 ICU के हमारे इंटेंसिविस्ट इस पर्टिकुलर कंपाउंड में स्टेशन है। मतलब 1-24 ICU हमारा कोई भी अनकवर्ड ऐसा मोमेंट नहीं होगा जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक बेस्ट आई थिंक सर्विस हम अवेल करा। एक बात बताइए कि आपकी कैथ लैब पार्ट, मुझे लगता है शायद हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इसका आंसर कर पाएंगे। सब एक कैथ लैब में फर्क नहीं है सर, फैसिलिटी में फर्क है। फैसिलिटी इन हाउस है, और कभी भी पेशेंट आने के बाद हम विद इन 5 मिनट हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीजर। अगर आपका मतलब पेशेंट आप कंसेंट देते हैं तो उसके बाद हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैथ लैब हर जगह एक ही होती है। एक्चुअली इट इज अवेलेबिलिटी की बात है, इट इज नॉट द मशीन विच मैटर्स, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। क्योंकि मशीन अपने आप कुछ नहीं करने वाली है। अगर आदमी और एक स्किल्ड पर्सन है, एक हाईली ट्रेंड, हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी से कम हैं। मतलब दिल्ली के कोई भी सेंटर्स को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे फैसिलिटी और यहाँ की फैसिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्रीवियसली मैम मैक्स हॉस्पिटल में था, उसके पहले मैं BHU से DM कार्डियोलॉजी किया मैंने, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ एसोसिएट कंसल्टेंट था मैं 2 साल तक, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। जो आ गई है JJ हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में, और हम तो हमारे यहाँ 24 आवर कोई भी अगर MI होता है तो हमारे यहाँ स्टेंट डालने की फैसिलिटी रहेगी। अगर हार्ट फेल्यूर होता है पेशेंट्स आ सकते हैं तो हमारे यहाँ ICU फैसिलिटी है, और अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो पेसमेकर, सारी कार्डियक फैसिलिटी 24/7 हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो कोई भी कार्डियक इमरजेंसी होने की कंडीशन में तुरंत से संपर्क करें, इमरजेंसी में आए, और डॉक्टर हमारी पूरी टीम 24 घंटे हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है, तो इसमें आपको किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि कार्डियक पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय का इंपॉर्टेंस है, 1-1 मिनट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। MI में जितना समय बर्बाद करेंगे उतना पेशेंट के लिए जान बचना मुश्किल होता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात यही है कि फैसिलिटी तो बहुत जगह है, हमारे यहाँ तुरंत अवेलेबल है, जितनी जल्दी हो सके पेशेंट आया 5 मिनट के अंदर हम कैथ लैब में ले सकते हैं। तो बस इसमें है कि पेशेंट की जान बचने के चांसेज और उसमें हार्ट की रिकवरी के चांसेज ज़्यादा रहेंगे इसमें। लगाते हैं इस पूरे डोर के अंदर लेट है।
माइलस्टोन जेजे का अपने 21 साल की यात्रा में जुड़ने के उपलक्ष्य में आप सबको इकट्ठा किया है। बहुत समय से मन में था कि एक सिस्टम जो है वो हॉस्पिटल लाइन का हुआ हो जाता है जब तक हार्ट से चीजें ना हो, अल्टीमेटली दिल से ही चल के सब चलता है। तो हमेशा प्लस माइनस रहते थे कि नहीं, क्योंकि इससे चीजें ना सिस्टम में कई जगह नाम खराब भी होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, लोगों के साथ बड़ी जल्दी एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि नहीं जी पेट में गैस थी, छल्ला डाल दिया, फलां था, ये कर दिया। तो वी वर वेरी रिलक्टेंट कि जो एक छवि हम लोगों ने अपने 21 साल में बनाई है, कहीं वो अनजाने ना अनजाने में कभी कहीं वो कुछ खराब ना हो जाए। बट फिर हमें लगा कि नहीं, हमें अपने एथिक्स पे भरोसा है, हमें अपने सिस्टम पे भरोसा है, हमें अपने काम करने के तरीके पे भरोसा है। तो सिस्टम में बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए आज आफ्टर कोरोना टाइम्स हार्ट सिस्टम हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक्स आप लोगों ने देखा बढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन में भी बढ़ रहे हैं, और चीजें दिन ब दिन डिस्टर्ब होती जा रही थी। तो वी थॉट कि दिस इज द हाई टाइम वी शुड एड ऑन विद दिस डिपार्टमेंट, और आप लोगों की ब्लेसिंग से, गुरु जी की ब्लेसिंग से वी गॉट दिस डिपार्टमेंट स्टार्टेड। डॉक्टर नरेंद्र इज आर कार्डियोलॉजिस्ट, ही will be staying in house 24/7 in the hospital. एक और इनके साथ डॉक्टर साहब हैं, जब कभी ये छुट्टी पे जाते शेयर नहीं करते हैं, बातें अपनी अंदर ही रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। तो हम जो यहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं, जो राजयोग सिखाते हैं, तो इसमें विशेष बात बताई जाती है कि अपने दिल की बात अगर हम परमात्मा से करने शुरू कर दें, उससे शेयरिंग करने लग जाएं, तो शायद हमें हार्ट की बीमारी कभी होगी ही नहीं।